ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए मिली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्रालय ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। अब दोस्तों ट्रेन में मनपसंद खाना खाने का टेंशन होगा खत्म। रेलवे ने दिया यात्रियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी नई अपडेट और जानकारी के बारे में आप सबको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों बता दें, अगर आप ट्रेन में मनपसंद खाना गर्मा गर्म खाना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों रेलवे ने यात्रियों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब दोस्तों ट्रेन में यात्रा के दौरान स्विगी से आप अपना मनपसंद खाना के ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने दोस्तों सही सुना, स्विगी जो है अपना जो ऑर्डर है वो स्टेशनों पर आप शुरू करने जा रहा है, जहाँ दोस्तों आपको ट्रेन के अंदर खाना जो है पहुँचेगा। दोस्तों बता दें, पहली पारी में स्विगी ने 12 मार्च से ही बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को भोजन पहुंचाने की सेवाएं दे रहा है। स्विगी के एक बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में पहुंचाने की सर्विस 59 और रेलवे स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा। स्विगी फूड यहाँ पर बता दें, भारतीय का रेल खान पान एवं दोस्तों पर्यटन निगम यानी कि IRCTC ने रेलगाड़ियों के पहले से ऑर्डर किए गए भोजन को पहुंचाने के लिए मंगलवार को समझौता यानी कि दोस्तों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोस्तों होगा क्या कि IRCTC ऐप पर पीना दर्ज करके भोजन पाने के लिए पसदा स्टेशन का चयन करने के बाद स्विगी के जरिए भोजन पहुँचाने की सेवाओं का लाभ आप दोस्तों उठा सकते हैं। दोस्तों IRCTC के प्रबंधक निदेशक संजय कुमार जैन ने कहा कि स्विगी के साथ साझेदारी हमारे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक भोजन के रूप में विकल्प का एक सुविधा मुहैया कराएगी। खासकर दोस्तों स्विगी के आपको बता दें कार्यपालक अधिकारी CEO रोहित कुमार ने कहा कि इस पहल के लिए यात्रियों और संचालकों का यहां पे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में और अधिक स्टेशनों पर इस सेवाओं की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों बता दें, 1000 अमृत भारत स्टेशन ट्रेन का जैसे कि टारगेट है और इस पर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से काम यहां पर किया जा रहा है। इसी को दोस्तों देखते हुए और भी नई नई पहल रेलवे जो है यात्रियों को सुविधा देने के लिए कर रहा है। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और नई अपडेट जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई रेल अपडेट के साथ।